चलो करते हैं बच्चे। साक्षी एक मिनट रुको, एक मिनट ठीक है जी, एक मिनट रुको साक्षी, मैं अभी कलेक्ट कर लेता हूँ सवाल, फिर बाद में करते हैं बात, ठीक है? आपका डाउट लूंगा साक्षी जी, बस 2 मिनट दो मुझे, पहले क्वेश्चन नंबर वन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है आपको, ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है? ऐसे कुछ ग्राफ है मेरे पास, ठीक है? ये पॉइंट वन दे रखा है, ये पॉइंट टू दे रखा है, ये पॉइंट एट, ये पॉइंट दे रखा है 10, ये 12 और ये वाला पॉइंट 14। इधर प्लॉट कर रखा है मैंने क्या, वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, वेलोसिटी, और इधर प्लॉट कर रखा है टाइम, और ये वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 20, ठीक है जी। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा ये है बच्चा आपसे कि टी इक्वल टू वन पे मास एम है लिफ्ट में, मास एम लिफ्ट में है, ठीक है जी। इफ अ लिफ्ट मूव वर्टिकली अपवर्ड, लिफ्ट ऐसे है और लिफ्ट जा रही है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है? तो पूछा क्या है, देन फाइंड आउट वेट ऑफ द मैन इन द फॉलोइंग इंस्टेंट। तो पहले एक चीज सुन लो बच्चा, लिफ्ट वाले केस मैंने आप कराए नहीं थे तो सुन लो पहले, लिफ्ट में क्या होता है, वेट क्या सिस्टम होता है उसमें, सुनो। देखो बच्चा, अगर बंदा लिफ्ट में खड़ा है ऐसे, तो इस पे क्या लगेगा बच्चा, एमजी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल लगेगा बच्चा कितना, एन ऊपर लगेगा बच्चा मानते हो, और मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से, तो अब बताओ कौन सा फोर्स बड़ा है, एन बड़ा है या एमजी बड़ा है, एन बड़ा है एमजी बड़ा बच्चा, एन बड़ा है ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जा रहा मतलब एन बड़ा है। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं बच्चा, मैं इक्वेशन लिख दूंगा एन माइनस एम जी, या कैपिटल एम ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू एम इंटू ए, मानते हो? तो इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एम जी प्लस एम ए, तो एम कॉमन ले लू तो क्या आ जाएगा, जी प्लस ए। इतनी बात समझ में आई, जब लिफ्ट में जाते हैं तो हमें लगता है, ऊपर जाते हैं हमें लगता है कि वेट हमारा बढ़ गया है, ऐसे लगता है हमारे को, ठीक है जी। क्यों लगता है, क्योंकि जी की जगह अब क्या होगा, अगर लिफ्ट खड़ी होती, मान लो लिफ्ट रेस्ट पे होती, लिफ्ट रेस्ट पे होती तो मुझे पता है कि एन लगेगा ऊपर और एम जी लगेगा नीचे, तो रेस्ट पे होती तो एन की वैल्यू क्या आती बच्चा, एम जी आती मेरे पास। तो अगर रेस्ट पे थी तो हमारा वेट क्या था, एम जी, एक्चुअली वेट नहीं बोलते इसे, अपेरेंट वेट बोलेंगे, एन जो होता है वो अपेरेंट वेट होता है, जो हमें महसूस होता है। एम जी के मुकाबले अब वेट कितना है, एम जी प्लस या एम ए आ गया मेरे पास, तो अपेरेंट वेट बढ़ जाता है बच्चा। यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को, इतनी बात समझ में आई, लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो भारी महसूस होता है हमारे को, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को यहां तक? चलो ठीक है, अगर मान लो लिफ्ट नीचे जा रही होती तो, अगर मान लो यही लिफ्ट मेरे पास, मैं लिफ्ट यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये लिफ्ट, ये बंदा, और लिफ्ट जा रही होती मान लो एक्सेलरेशन ए से नीचे, तो एम जी नीचे नॉर्मल ऊपर, अब कौन सा फोर्स बड़ा है, एम जी बड़ा है या एन बड़ा है, एम जी बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो इक्वेशन क्या लिखता मैं इसमें, इसमें इक्वेशन लिखी जाती बच्चा क्या, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू, ये एफ नेट हो गया, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, एम जी माइनस एम ए। तो जब नीचे जाते हैं तो लिफ्ट नीचे जाती है बच्चा, तो हमें हल्का महसूस होता है, कभी लिफ्ट में चढ़े हो तो ऑब्जर्व किया होगा आपको कि नीचे जाती है एक्सेलरेशन तो आपको लाइट महसूस करते हो आप,
तो ये एन जो है वो अपेरेंट वेट होता है, तो जब नीचे जाएंगे तो वेट कम महसूस होगा, ऊपर जाएंगे तो वेट ज्यादा महसूस होता है एक्सेलरेशन से। ठीक है, अगर मान लो लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, फिल्मों में देखा होगा कि लिफ्ट गिर जाती है, देखा होगा फिल्मों में कि लिफ्ट गिर जाती है, तो लिफ्ट अगर फ्री फॉल कर रही है तो वेट कितना महसूस होगा बताओ। लिफ्ट फ्री फॉल, शब्दों में ध्यान दो, फ्री फॉल, अच्छा कम महसूस होगा। दिमाग लगा नहीं पा रहे हो तुम लोग, तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं तुम दिमाग लगाओ। एक बात बताओ, जो बॉडी फ्री फॉल करती है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जो बॉडी फ्री फॉल करती है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जी होता है, तुमने खुद ने बोला है, ठीक है शाबाश। तो अब ए की वैल्यू जी पुट कर दें, नीचे जा रही है लिफ्ट, नीचे गिर रही है, और नीचे जाते टाइम एन की वैल्यू क्या होती है? नीचे जाते टाइम एम की वैल्यू होती है एम इंटू जी माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? जी फ्री फॉल में, तो इसका मतलब क्या है? एम इंटू जी माइनस जी यानी जीरो। तो जब लिफ्ट फ्री फॉल करती है तो हम बिल्कुल वेटलेस महसूस करते हैं, ठीक है जी, वेटलेसनेस महसूस होती है। बात समझ में आ गई, वेटलेस क्यों महसूस करते हैं हम लोग? क्या वो आज सो के उठे तुम लोग? तुम्हारे रिस्पॉन्स ठंडा है। चलो गुड। अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना उसका जवाब, ठीक है? वेट कम नहीं होता, बात सुनो, हमें महसूस होता है, लेकिन वेट तो वेट ही रहेगा हमारा, एम जी रहेगा, महसूस करते हैं हम लोग, इसलिए मैंने टर्म क्या यूज किया है? एपरेंट वेट यूज किया, ठीक है? अब अगर मान लो लिफ्ट है, बंदा है, लिफ्ट जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर, एक केस तो ये, और लिफ्ट जा रही है बच्चा नीचे जा रही है कितने? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इन दोनों केस में एन की वैल्यू क्या आएगी? फटाफट लिख दो, दोनों केस में, ये केस वन और ये केस टू। गुड अंश जी, गुड हरमन जी, सोचो फिर से। ओहो कुछ चमत्कारी बालक भी हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, रोहित सही है, गुड। अरे एक बात सुनो, अब तुमने रट्टा मार लिया, अब तुमने रट्टा मार लिया होगा कि जब ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? एम जी प्लस एम ए करते हैं, नीचे जाते हैं करते हैं एम जी माइनस एम ए करते हैं, ये तुम्हें याद हो गया, पक्की बात है, ठीक है जी। अगर v कांस्टेंट है, लिफ्ट की रफ्तार कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है पापियों, ठीक है जी। तो यहां पे क्या बन जाएगा? n की वैल्यू क्या बन जाएगी? mg। क्यों बन गई? क्योंकि a की वैल्यू जीरो है। सिमिलरली यहां पे भी a की वैल्यू जीरो है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? mg। तो हमें उतना ही वेट महसूस होगा जितना हमारा है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई, जिन्होंने गलत किया समझ में आया? ठीक है रोहित, आपकी स्ट्रीम क्या है? मेडिकल नॉन मेडिकल? नॉन मेड। आप अच्छे बच्चे हो बच्चा, थोड़ी मेहनत करो और, ठीक है, आपका ब्रेन सही है। चलो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब तुम्हें पता है सारा फंडा। अब इस ग्राफ को देखते हैं बच्चा,
यार बच्चे अभी भी इतनी लेट लेट आते हैं, देखो 9 बजे बच्चे आ रहे हैं। ये ग्राफ कैसा है? बीटी ग्राफ है। और मुझसे पूछा गया है एपरेंट वेट, पूछा गया क्या पूछा गया है? एपरेंट वेट। और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो फॉर्मूला क्या यूज करूंगा मैं? एन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए यूज करूंगा फॉर्मूला तो, ठीक है जी। लेकिन पूछा गया टाइम इंस्टेंस दे रखे हैं इसने कि टी इक्वल टू 1 पे कितना है, टी इक्वल टू 8 पे कितना है और टी इक्वल टू 12 पे कितना है। तो याद करो मैंने आपको जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया था तो बताया था स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देती है। पहले तो बताओ स्लोप होता क्या है और वीटी कर्व में स्लोप क्या देती है। ठीक है, 3 बच्चे सही बोल रहे हैं, इनफैक्ट 4। टेन थीटा, वेरी गुड। लेकिन टेन थीटा यहां पे क्या देगा? बीटी में ए देता है बच्चा, याद है आपको या भूल गए हो? एक्सलरेशन, ठीक है जी, याद कर लो बच्चा। सुनो देखो, जो भूल गए हैं सुनो, वो होता है स्लोप जो होता है वो होता है चेंज इन वर्टिकल एक्सिस बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में चेंज बाय हॉरिजॉन्टल में चेंज। वर्टिकल में क्या है? वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल में क्या है? टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम वो क्या होता है बच्चा? एक्सलरेशन। तो मुझे ए देगा और ए का फॉर्मूला जो मतलब स्लोप का फॉर्मूला था वो तो क्या था? वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। या फिर बात करें हम यहाँ पे क्या है बच्चा, मान लो किसी बच्चे का चैट में कोई रिप्लाई आया है। हाँ जी, ये पूछ रहा है कि एक वन वाले पे देखो, अब वन जीरो से लेके टू स्ट्रेट लाइन है, जीरो से लेके टू स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स रहता है, तो कैसे निकालूं? ये पॉइंट क्या है मेरे पास? ये वाला पॉइंट है 0.0 और ये पॉइंट क्या है मेरे पास? 2.20। तो अगर मैं फॉर्मूला पुट करूं वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, तो बच्चा क्या आएगा मेरे पास? वाई टू क्या है इसमें? 20। वाई वन क्या है? 0। तो 20 माइनस 0 बाय 2 माइनस 0 यानी 10 आ जाएगा मेरे पास। तो यहां पे पूरे लाइन पे जो स्लोप है बच्चा यानी एक्सेलरेशन जो है वो 10 है। बात समझ में आ गई बच्चा? तो अब मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू एम इन टू जी प्लस ए। एन इज इक्वल टू एम इन टू जी प्लस ए, जी तो पता ही है और a की वैल्यू भी पता लग गई 10। तो क्या मैं निकाल सकता हूं? निकल जाएगा बड़े प्यार से। यहां तक कोई तकलीफ बच्चा? थोड़ा ट्रिकी है बट आना चाहिए। यहां तक कोई तकलीफ किसी बच्चे को? शर्माना मत भी बता दो, ठीक है। अब देखो सुनो, अब इस लाइन का स्लोप निकालना है। किस लाइन का? मुझे 1 पे पूछा था, अब पूछ रहा हूं किस पे? 10 पे, 8 पे सॉरी। तो 8 पे ये लाइन दिख रही है, ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या आएगा बच्चा बताओ मुझे फटाफट? स्लोप 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? टेन 0 क्या होता है? 0। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, क्योंकि चेंज इन वी हो ही नहीं रहा। ए की वैल्यू क्या होती है? डीवी बाई डी टी। क्या वी बदल रहा है इस लाइन पे? वी बदल नहीं रहा इस लाइन पे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा यहाँ पे? 0। तो ए को 0 पुट कर दोगे यहाँ पे, ए को 0 पुट कर दोगे यहाँ पे, तो वैल्यू निकल जाएगी एम जी आ जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है जी। अब पूछा है कहाँ पे ये स्लोप 0, समझ में आया बच्चा? पुराने पाप है यार, भूल गया तो बता देता हूँ। देखो भाई अगर बच्चों याद नहीं है तो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप याद है नहीं है? ठीक है, अब बात करते हैं 12 पे। पूछा है क्या? पूछा है 12 पे। तो 12 पे जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो ये बन रही है। तो यहां पॉइंट कितना है मेरे पास? ये पॉइंट है मेरा 10.20 और ये पॉइंट क्या है मेरा?
14, 0, 14, 0, तो m जो निकलेगा, स्लोप जो निकलेगा मेरा, वो y2, y2 क्या है, 0 माइनस y1, y1 कितना है 20, और x2 कितना है मेरा 14, x1 कितना है 10, तो मेरे हिसाब से माइनस 20/4 यानी माइनस 5, एक्सेलरेशन क्या आ गई मेरे पास, माइनस 5 आ गई। बात समझ में आ रही है, माइनस 5 माइनस 10 क्यों कर रहे हो जतिन ग्रोवर जी, माइनस 10 कैसे आया, स्लोप निकाला है हम लोगों ने, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, 14 वाला पॉइंट फाइनल है और 10 वाला पॉइंट इनिशियल है। जतिन जी समझ में आ रहा है, जतिन ग्रोवर, चलो तो अब a की वैल्यू क्या पुट कर दूं यहां पे, माइनस 5 पुट कर दूं, n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए वाले फॉर्मूले में a को क्या पुट कर दूं, माइनस 5, तो आंसर मेरा आ जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ किसी बच्चे को, सवाल समझ में आ गया ये पहले वाला, तो लिफ्ट वाले केस हमारे हो गए हैं, ठीक है जी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जाए तो mg महसूस होगा, ऊपर जाए तो ज्यादा महसूस होगा, नीचे आए तो कम महसूस होगा, और फ्री फॉल करे तो कुछ भी महसूस नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। बच्चा क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ा दो अपनी, ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ाओगे तभी बात बनेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांच ब्लॉक है मेरे पास, पांच ब्लॉक ए बी सी डी ई, ये ब्लॉक दे रखे हैं और इस पे फोर्स एफ लगाई, सबका मास एम है, सबका मास एम दे रखा है और पूछा क्या आपसे, फोर्स पहले तो ए पूछा है, फर्स्ट थिंग तो क्या पूछा है, ए पूछा है आपसे, सेकंड पूछा है आपसे एफ ऑफ डी ई, और थर्ड पूछा है एफ एफ ऑफ सी डी, और फोर्थ पूछा है आपसे बच्चा एफ बी सी, और फिफ्थ पूछा है बच्चा एफ ए बी। तो सबसे पहली चीज ये साथ चलेंगे, धक्का मार रहे हैं, साथ चलेंगे तो एफ फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम, मास कितना है, एक दो तीन चार और ये पांच, तो ये 5m मास हो गया। फोर्स कितनी है, एफ इंटू ए ऑफ एस, तो ए ऑफ एस की वैल्यू क्या आ गई, एफ बाय 5m। तो पहला पार्ट तो हमने कर दिया, ठीक है जी। चैट में क्या लिख रहे हो तुम लोग, तुम्हारा तो किसी एक बच्चे का डाउट था यार, ये किसका था मुझे याद नहीं। किसी बच्चे ने पूछा था, इसमें करा रहा हूं बच्चा, मुझे नाम याद नहीं किसने पूछा था। चलो अब वो बोल रहा है कि एफ डी ई, एफ डी ई मतलब डी ने धक्का कितना मारा, एफ डी ई मतलब डी ने ई को कितना धक्का मारा। तो देखो ई को चलना कितने से है, एफ बाय 5 एम चलना, E को चलना कितना है 5 by F by 5 m से, मास कितना है इसका ये, तो F इजिकल टू m में लगा दूं, F इजिकल टू m into a, मास कितना है E का m, a कितना है F by 5 m, m ने m को मार दिया तो वैल्यू क्या आएगी F by 5। फिर धक्का पूछा है C ने धक्का कितना मारा D को, तो C के आगे कितने ब्लॉक है, C के आगे दो ब्लॉक है बच्चा, तो 2m, दो मास को चलाना है कितनी एक्सेलरेशन से, f बाय 5 m से,
एम ने एम को मार दिया तो वैल्यू क्या आएगी, 2f/5। ठीक है, अब फिर क्या पूछा है, एफ बी सी, बी ने सी पे कितना धक्का मारा, तो बी से आगे कितने ब्लॉक हैं, तीन ब्लॉक हैं, तो तीन ब्लॉक को चलाना है, यानी मास कितना आ गया 3m, 3m इंटू एफ बाय 5m, यानी 3f/5। फिर एफ ए बी पूछा है आपसे, ए ने कितना धक्का मारा, ए से आगे कितने ब्लॉक हैं, चार ब्लॉक हैं, तो चार ब्लॉक को चलाना है 4m, कितनी एक्सेलरेशन से, एफ बाय 5m से, तो 4f/5। भाई जिसका भी डाउट था समझ में आया उसको, हाँ जो भी है, एफ नहीं पी है, बात तो ये की है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एफ दिख रहा था भाई, सॉरी फोन से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ भाई मैं, ठीक है कोई बात नहीं। चलो भाई जिसका डाउट था हो गया, नेक्स्ट बोलो बच्चा, नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स में। नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स में दो तीन चार सारे पूछ ले तुम तो, चलो दो तीन चार नौ पांच सारे हो गए यार। दो चार पांच तीन भी पूछा, सारे हो गए मतलब भैया। चलो कोई नहीं, करते हैं, नो नो वरीज, काम तो करना ही है। बिगिनर बॉक्स थ्री सेकंड पूछा गया है, कराते हैं पहले सेकंड, सारे करता हूं बच्चा। सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चा इजी है, मुश्किल नहीं है, सुनो इसको करने के लिए पहले एक चीज देखो, सुनो अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछू, ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। मान लो मेरे पास यहां 5 kg है और यहां 3 kg है, मान लो मैं पूछ रहा हूं टेंशन इस पॉइंट पे ए पे और टेंशन इस पॉइंट पे बी पे, क्या आप ये निकाल पा सकते हो, ए और बी पे टेंशन निकाल सकते हो, बताओ ए पे कितनी आएगी और बी पे कितनी आएगी। बताओ भाई ए पे कितनी बी पे कितनी, गुड 50-80 सही है, शाबाश, अंश दिमाग सही है तेरा यार, ठीक है, हरमन भी सही है, हरीश भी सही है, चारू भी सही है, बाकी लोग तीन ही बच्चे पढ़ रहे हो तुम लोग, अनमोल भी सही है, चलो बाकी लोग रिप्लाई नहीं करते यार, क्या सर मतलब, हाँ जी साक्षी जी क्या हुआ, क्यों ही नहीं सुना, क्वेश्चन ही नहीं सुना, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ये है बच्चा कि एक 5 kg का ब्लॉक है, एक 3 kg का ब्लॉक है, इनको हैंग कर रखा है स्ट्रिंग से, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे टेंशन कितनी है, चलो खुशबू सही बोल रही है, चलो गुड। अरे सुनो यार देखो तुम भी ना, अब ये यहां टेंशन है, दो रस्सियां दो टेंशन आएगी, टी ए बोल रहा हूं यहां पे, टी बी बोल दूंगा, टी ए को बैलेंस किसे करना है, सिर्फ 50 को, उसके वेट को बैलेंस करना है, तो टी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी, और टी बी को बैलेंस किसको करना है, 3 के मास को भी करना है और 5 के मास को भी करना है, तो टीबी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 80 आएगी, कितनी बात समझ में आ रही है, या एफबीडी बनाऊं पूरा, आज तुम डिले ना जा रहे हो भाई, क्या चक्कर क्या है,
आपको तो आ गया बच्चों को पूछ रहा हूँ बच्चा, चारू जी आप तो चारू, बाकी लोग बोलो भाई। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक पता है क्या है, देखो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो नेट 4.0 होना चाहिए ना उस पे। तो सिंपल फंडा क्या है कि जितना मास, जिस पॉइंट टेंशन निकालनी है, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है उसके नीचे कितना मास है, उसके नीचे कितना मास है उसे जी से मल्टीप्लाई करो। अगर ये बात समझ में आ गई तो वो सवाल बड़ा आसान है। ये रस्सी जो है मेरे पास, मास वाली रस्सी है, ठीक है, तो इससे y डिस्टेंस पे पूरी लंबाई कितनी है बच्चा, l दे रखी है, और y डिस्टेंस पे टेंशन पूछी है, y डिस्टेंस पे टेंशन पूछी है, तो मुझे क्या देखना, जिस पॉइंट टेंशन निकालनी है उससे नीचे कितना मास है वो देखना है। तो मुझे पता है इस पूरी रॉड का जो है बेसिकली, या स्ट्रिंग है जो भी, इसका मास कितना है, m है, तो मुझे पता है l लंबाई है तो मास कितना है, m है। ये लेंथ कितनी है, पूरी की l है ना, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास, l माइनस y। ठीक है बच्चा, तो l लंबाई का मास कितना है, m है, तो a का कितना होगा, m by l, और l माइनस y का कितना होगा, m by l into l माइनस y। बचपन में पढ़ा होगा आपने यूनिटरी मेथड, 10 रुपए में इतनी टॉफी आती है तो एक में कितनी आएगी, 5 में कितनी आएगी, पढ़ा ना तुम लोगों ने, चलो गुड। तो मुझे पता लग गया कि इसका मास कितना है, जो नीचे वाला पोर्शन है बच्चा, जो नीचे वाला, जिस पॉइंट टेंशन निकालनी है, टेंशन यहां निकालनी है, उससे नीचे वाले पोर्शन का मुझे मास निकालना था, वो मास क्या आ गया बच्चा मेरे पास, m by l, वो मास आ गया मेरे पास m by l into l minus y। लेकिन टेंशन पूछिए, टेंशन क्या होता है, वेट, जो नीचे वाला है, तो मास m into g करना है, m की वैल्यू कितनी है, m by l into l minus y into g। तो ये सवाल खत्म, बात समझ में आ गई बच्चा, अरे सवाल आ गया सबको, रिपीट। चलो कौन है गैलेक्सी G4 भाई, देखो बच्चा मैंने बोला था क्या, सुनो रिपीट के लिए बोल रहे हैं लोग, देखो सिंपल सी बात है, जहां टेंशन निकालनी है, जहां टेंशन निकालनी है उसके नीचे कितना मास है वो निकालना है, और ये यूनिफॉर्म मेरे पास, ठीक है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर l लंबाई पे मास m है तो एक लंबाई पे कितना होगा m by l, तो नीचे वाले हिस्से का लेंथ कितना है l minus y, तो l minus y का क्या होगा m by l into l minus y। वेट निकालना है, ये तो मास है, वेट क्या होता है m into g, तो जितना वेट नीचे वाला पोर्शन का है उतना ही मेरे पास टेंशन आएगा। बात समझ में आएगा, गैलेक्सी J4 या A4 जो भी थे आप, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चा, सेकंड के बाद कौन सा आपका, थर्ड करना है क्या, थर्ड करा देते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, चलो सब करते हैं, कोई बात नहीं। थर्ड तो इजी है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। हेलो भाई, गैलेक्सी वाला जो था भाई, समझ में आया पिछला कंसेप्ट, नाम तो पता नहीं मेरे को आपका, गैलेक्सी वाले जो भैया थे, ठीक है। अच्छा जी, टीपी और टी क्यू निकालना है, चलो बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, कमाल है।
ऐसे कुछ दे रखा है मेरे पास, ठीक है जी। और ये रॉड, मोटी रस्सी, यहाँ वजन दे रखा है 2.9, यहाँ वजन दे रखा है कितना 1.9, और इसका वजन दे रखा है, मोटी रस्सी का वजन भी दे रखा है 0.2, ठीक है बच्चा। और ये जा रहे हैं कहाँ पे, एक्सलरेशन ऊपर जा रहे हैं 0.2 से, ठीक है बच्चा। और पूछा क्या है इन्होंने, टेंशन पूछी है कहाँ पे, टीपी और टी क्यू पे, टी क्यू कहाँ पे, ऐसे ये रहा, ये मेरा पास क्यू है और ये मेरे पास पी है, और पी जो है बच्चा वो मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है जी। अब सुनो बच्चा, अब मुझे बताओ पी से नीचे कितना मास है, ये पी मिड पॉइंट है, याद रखना लॉजिक वही रहेगा, पी से नीचे कितना मास है बच्चा, कुछ लोग बोल रहे हैं 2.9, कुछ बोल रहे हैं 3, जो 2.9 बोल रहे हैं बच्चा, आपने स्ट्रिंग का मास नहीं लिया। देखो स्ट्रिंग का मास, सुनो भाई, ये पूरी स्ट्रिंग थी मेरे पास, इस पूरे का वजन कितना है 0.2 है, तो आधे का वजन कितना होगा 0.1, तो बच्चा आप इसका 0.1 लेना भूल गए, पहली चीज। तो टोटल मास जो है इसको ऐसे मान लो, टोटल मास 3 मान लो, 0.1 प्लस 2.9 3 हो गया। अब ये ऊपर जा रहा है एक्सलरेशन ए से, टेंशन लगेगी ऊपर, mg लगेगा नीचे, पिछले सवाल में रस्सी रेस्ट पे थी, इस बार ये रेस्ट पे नहीं है, जब रेस्ट पे हो तो फोर्स बैलेंस करते हैं, तो मैंने टी को mg कर दिया था, अब ये पापी इंसान ऊपर जा रहा है तो mg तो नीचे लग रहा है और टी ऊपर लग रहा है, तो बड़ा फोर्स कौन सा है, बड़ा फोर्स कौन सा, टी बड़ा है मानते हो, तो भाई टीपी क्या लिखूं मैं, टीपी माइनस एम जी, एम की वैल्यू कितनी है 3, इंटू जी यानी 10, इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम कितना है 3, ए कितना है 0.2, तो क्या आप टीपी निकाल पाओगे इससे, 0.6 प्लस 30 यानी 30.6। यहां तक किसी बालक को कोई तकलीफ, कितने लोगों को दूर दूर तक बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, कोई ऐसा महानुभाव जो शर्मा रहा हो कि डाउट पूछना ही नहीं है, भाई शर्माना मत, शर्माओगे तुम्हारा नुकसान है इसमें जी। 9.8, अच्छा 9.8 करना, चलो 9.8 कर लो यार, कोई नहीं, सवाल में अगर सवाल में 9.8 दे रखा है तो 9.8 यूज कर लो, ठीक है जी, 9.8 दे रखा है उन्होंने, सॉरी। तो बच्चा ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 30 बन जाएगा मेरे हिसाब से, तो ये आंसर 30 बन जाएगा भाई, 30.6 नहीं बनेगा, 30 बन जाएगा। सवाल में अगर जी दे रखा हो तो वो ले लो साहब से, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्यू, क्यू से नीचे कितना मास है, पॉइंट क्यू के नीचे मास कितना है बताओ फटाफट, पांच किलो है, सही मानते हो। अब ये 5 किलो ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे बना लो, 5 किलो का ब्लॉक बना लो, और ऊपर क्या लग रहा है, टी क्यू लग रहा है, और जा रहा है ऊपर कितने है 0.2 से जा रहा है, नीचे क्या लग रहा है mg, यानी 5 × 9.8, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगी, टी क्यू माइनस 5 × 9.8 इज इक्वल टू 5 × 0.2, तो भाई टी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 10 यानी 50। बात समझ में आ गई बच्चा सबको, अरे ये सवाल हो गया सबका, चलो ये प्रोफाइल हो गई हमारी, चल
नेक्स्ट करते हैं, थर्ड सवाल हमारा हो गया है। नेक्स्ट कौन सा डाउट था बच्चा, फोर्थ है क्या आप लोगों का? चलो फोर्थ करा देता हूँ बच्चा, इजी है फोर्थ, चलो करते हैं। रस्सी मोटी, ठीक है जी, लंबाई उसकी L और X डिस्टेंस यहां से दे रखा है, फोर्स लगाई इस तरफ। तो बच्चा सुनो, इधर एक मिनट सुन लो बच्चा, टेंशन पूछी है यहां पे। थ्री का 5B, थर्ड का 5B, क्या बोल रहे हो साक्षी, समझ नहीं आया। थ्री का 5B मतलब, अच्छा 5, ओके 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 करा दो बच्चा, टेंशन आओ। देखो बच्चा सुनो, आपने एक सवाल किए थे, देखो मैंने इसको रिलेट करते हैं आपको, ऐसे ये सवाल किए थे ना अपन, ऐसे वाले यहाँ फोर्स लगाते थे हम, यहाँ टेंशन निकालते थे, यहाँ टेंशन निकालते थे। तो जो लॉजिक निकालते थे, मान लो यहाँ टेंशन निकालनी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम क्या क्या लॉजिक मैंने याद कराया था आपको कि पॉइंट ए पे टेंशन निकालनी है तो देखो उसके पीछे कितना मास है, पीछे मास इंटू ए ऑफ सिस्टम, यही करते टेंशन हम लोग, ठीक है ना। अब बी पे देखना है तो बी के पीछे कितना मास है इंटू ए ऑफ सिस्टम, यही करते आए थे, तो इसमें भी यही करेंगे हम लोग। याद है सबको, पीछे वाला मास इंटू ए ऑफ सिस्टम करते थे हम लोग। हाँ जी चलो अब करते हैं, सुनो। तो मुझे पता है इसका मास दे रखा है क्या, रॉड का मास या रस्सी का मास दे रखा है, हाँ एम दे रखा है, एम दे रखा है। तो मुझे पीछे का मास निकालना है, मतलब इस पोर्शन का मास निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, ए ऑफ सिस्टम निकालो। तो मुझे पता है फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम, फोर्स तो एफ है, मास कितना है कैपिटल एम, ए ऑफ सिस्टम निकल जाएगा वो आ जाएगा एफ बाय एम, ठीक है बच्चा। तो ये पता लग गया, अब पीछे मास कितना है, मतलब इस वाले हिस्से का मुझे मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से, एल लंबाई तो मास एम, एक लंबाई तो m by l, और लेंथ कितनी है x है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी m by l into x। तो ये मास आ गया, पीछे वाला मास कितना है m by l into x, एक्सेलरेशन कितना है f by m, m ने m को मार दिया तो x f by l, ये मेरी टेंशन आ जाएगी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट फिफ्थ पूछा है बच्चों ने, ठीक है फिफ्थ करा देता हूं मैं, है तो वैसे इजी बट स्टिल करा देता हूं। इधर मुझे दिखाई कम दे रहा है, इसमें ये F2 और ये F1, ये F2 ये F1, मास M दे रखा है। अब X यहां से दे रखा है F, X यहां से, बड़ा फोर्स कौन सा है बच्चा, इसमें F1 बड़ा है तो मतलब ये इधर चलेगा, F1 बड़ा है तो रॉड कहां चलेगी, इधर। तो पहला काम क्या है मुझे, A ऑफ सिस्टम निकालना। तो क्या करेंगे, फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इंटू ए ऑफ सिस्टम, नेट फोर्स क्या आएगी, एफ वन माइनस एफ टू, अपोजिट है मेरे पास, मास कितना है m, तो इससे क्या निकल जाएगा ए ऑफ सिस्टम, ए ऑफ सिस्टम क्या आ गया एफ वन माइनस एफ टू बाई एम। अब मुझे यहां निकालनी है तो इसके पीछे मास कितना है वो निकालना है, तो पीछे वाली लेंथ कितनी है l माइनस x, तो भैया l के लिए m,
ए के लिए एम बाय एल, तो इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसकी लेंथ कितनी है, एल माइनस एक्स, तो क्या आएगा एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, तो ये मास आ गया, पीछे वाला मास पता लग गया, इंटू ए ऑफ सिस्टम कर दो, पीछे वाला मास एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए ऑफ सिस्टम, यानी एफ वन माइनस एफ टू बाय एम, एम ने एम को मार दिया, तो क्या आ गया एफ वन माइनस एफ टू इंटू एल माइनस एक्स बाय एल, ये मेरा आंसर आएगा बच्चा। कितने लोगों बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। फिफ्थ के बाद कौन सा बच्चा आपका, रिपीट कर दूं, जतिन ग्रोवर जी कह रहे हैं रिपीट कर दो, कोई नहीं है, हरमन जी बोल रहे हैं सिक्स्थ के बाद नाइन्थ, फिफ्थ किया कौन सा किया हम लोगों ने, ये फिफ्थ किया, सिक्स और नाइन्थ करना है मतलब, ठीक है करा देता हूं। सर F2 भी तो लग रही है, तो मैंने कब कहा नहीं लग रही F2, F2 लग रही है तभी तो मैंने इसको नेट फोर्स लिया, नेट फोर्स में क्या है F2 माइनस F1 माइनस F2, अंश जी नेट फोर्स क्या लिया मैंने, F1 माइनस F2, तो F2 काउंट कर लिया ना मैंने, इसका आंसर आ रहा है F1, अरे सिंप्लीफाई कर लो यार और तो कुछ है ही नहीं इसमें, सिंप्लीफाई कर लो भाई, यही बनेगा सिंप्लीफाई करके, या मैं करूं सिंप्लीफाई, आ गया सर समझ, ठीक है चलो गुड है। नाइन और छ, छ पूछा लोगों, सिक्स ही पूछा लोगों ने, सिक्स भी करते हैं नाइन्थ भी करते हैं, मैंने कराया नहीं नाइन्थ आपको, मैं मानता हूं वो स्प्रिंग वाला कंसेप्ट बता दूंगा मैं, सिक्स में क्या बच्चा, एक लिफ्ट है, अ मैन इन अ लिफ्ट कैरिंग 5 kg बैग, इफ द लिफ्ट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन g बाय 2, फाइंड द टेंशन इन द हैंडल ऑफ द बैग। बच्चा अभी लिफ्ट कराया था ना मैंने आपको, नीचे जाने वाला फंडा, उस फंडे ट्राई करो, किसका है सिक्स्थ भाई, सिक्स्थ किसका क्वेश्चन है बच्चा, जो मैंने कंसेप्ट बताया ना एमजी माइनस एमए वाला, ट्राई करो उससे, एक बताओ बैग जा किससे रहा है एक्सेलरेशन से, जी बाई टू जा रहा है बच्चा, मानते हो टेंशन पूछी आपसे, हेलो सिक्स्थ क्वेश्चन किसका था बच्चा, तो देखो मैंने कंसेप्ट में करा दिया ना, अब तो पहले तुम्हें आता था बेसिकली कि लिफ्ट कैसे मूव करती है, अब लिफ्ट वाला फंडा लगाओ, उस पर टेंशन लगाओ स्ट्रिंग के अंदर, बैग के अंदर, बैग जा किधर रहा है, नीचे जा रहा है, टेंशन किधर लग रही है उस पर, ऊपर लग रही है, ठीक है जी, तो वो कर लेना बच्चा, अगर फिर भी ना हो तो आई, खुशी जी पूछ रही है 75 आंसर आ रहा है, आंसर 75 है क्या इसका, या कुछ और दे रखा है इन्होंने, 25 आपका 75 आ रहा है, कितना लोगों का 25 आ गया था भाई, आ गया मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो बच्चा, फिर तो आप ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना बच्चा, फिर भी ना हो तो कल मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ट्राई कर लेना एक बार प्लीज, क्योंकि आज की क्लास तो मेरी सुहा होने वाली है, 5-7 मिनट बचे हैं क्लास की, ठीक है जी,
ट्राई कर रहे ना बच्चा, नहीं हो फिर भी मेरे को पिंग कर देना, ठीक है? अगर ना हो ना तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? अब करते हैं 9th सवाल। अच्छा 9th तो अच्छा सवाल है, थोड़ा स्प्रिंग वाला सवाल है। वाह, तो एफ दे रखा है 10 और ये दे रखा है 4, ठीक है बच्चा? अब पूछा क्या है आपसे, रीडिंग पूछी होगी इसकी शायद, है ना? हाँ रीडिंग पूछी है। तो बच्चा सुनो, ऐसे वाले सवाल जब भी पूछे, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस पूछ ले, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस पूछ ले, तो वो क्या पूछता है बच्चा, उसका मतलब क्या है कि वो टेंशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टेंशन पूछ रहा है। तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, इसको स्प्रिंग को क्या मान लो, रस्सी मान लो, क्या मान लो, स्ट्रिंग मान लो, और इधर 20 लग रहा है और इधर 10 लग रहा है, ये 4 है और ये 6 है, एफ नेट कितना आ गया बच्चा इस पे? एफ नेट आ गया बच्चा मेरे पास 10। मास कितना है सिस्टम का, 6 + 4 = 10, तो ए ऑफ सिस्टम निकल जाएगा। ए ऑफ सिस्टम कितना आ गया मेरे पास, 1 आ जाएगा, फोर्स ऑन सिस्टम। अब टेंशन निकालनी है तो यहां टेंशन निकालनी है, तो जाएगा किधर, ये इधर जा रहा है बच्चा, इसको ऐसे रिड्यूस कर लो ना, ये 6, ये 4 और ये 10 लग रही है फोर्स, एफ नेट 10 लग रही है मेरे को, और यहां पे ये टेंशन निकालनी है, तो पीछे ब्लॉक कौन सा है, 4 है, तो पीछे वाला मास कितना है, 4 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, 1, तो 4 न्यूटन इसकी रीडिंग आएगी। बात समझ में आई? हाँ जी, सवाल समझ में आया? जब भी स्प्रिंग बैलेंस के सवाल हो, स्प्रिंग बैलेंस बोले इतनी रीडिंग दिखाओ, तो टेंशन निकालनी है। स्प्रिंग को क्या मान लो, रस्सी मान लो, रस्सी मान के क्या करो, टेंशन निकाल लो। आंसर 14 दे रखा है, क्या बक रहे हो? रुको रुको रुको, रस्सी बांध रखी है सवाल मेरे को, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी चेक। एफ माइनस टी इज इक्वल टू 14। अच्छा इसने क्या कर रखा है भाई, स्प्रिंग बैलेंस में थोड़ा एरर है बच्चा, सुनो, ये 4 न्यूटन मैंने क्या निकाला, टेंशन निकाल ली, तो क्या बोलता है यार ये 6 20, टेंशन की बात करूंगा, मैंने टेंशन गलत निकाली है क्या, मैं टेंशन गलत निकाली है क्या, एक सेकंड रुको, एफ नेट तो मेरा 10 आ रहा है, 10 आ गया तो एक्सेलरेशन 1 आ गया मेरे पास, ठीक है जी, एक्सेलरेशन 1 आ गया, तो ये 6 जा रहा है इधर से, एक से, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो सुनो सही है, 14 सही है, गलती समझ में आ गई, सुनो देखो, इस पे 20 लग रहा है बच्चा और ये 1 से जा रहा है, टेंशन इधर लग रही है, सुनो अगर 6 kg को देखें हम लोग, 20 इधर जा, 20 फोर्स इधर लग रही है और टी इधर लग रहा है बच्चा टेंशन, और ये जा रहा किधर से, इधर जा रहा है 1 से, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, 20 माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम कितना है 6 × a, मैंने सवाल ही गलत कर दिया था, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 14 आएगा। अगर इस ब्लॉक को पकड़ू मैं,
तो इस ब्लॉक को पकड़ू तो 10 इधर लग रहा है और टेंशन इधर लग रहा है और मास कितना है 4 और जा रहा है किधर, ये 1 से जा रहा है, तब भी क्या आएगा टी माइनस 10 इज इक्वल टू एम इन टू ए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा 14। ठीक है, मैंने रिड्यूस में एफबीडी बना दिया, मैंने एक्चुअल में एफबीडी बनाना मेरे को ना, मैंने बना दिया उसमें था रिड्यूस वाले। चलो ये बच्चे कह रहे हैं कि ऐसे ही पिछले वाले क्वेश्चन में होगा, कौन सा पिछला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन क्या, सुनो मैंने रिड्यूस में बनाया था क्या, इसमें भी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में रिड्यूस में बनाया था या पूरे बनाया था, रिड्यूस में मत करना भाई, रिड्यूस में बनाया फिर गड़बड़ है। सुनो एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, बच्चे पूछ रहे हैं कि एफबीडी का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसको देखते हैं, इस हिस्से को देख लें एल माइनस एक्स को, इधर क्या लग रहा है मेरे पास, टेंशन लग रही है अवे फ्रॉम बॉडी, इधर क्या लग रहा है एफ टू लग रहा है मेरे पास, और ये जा किधर रहा है, इधर जा रहा है बच्चा, इधर जा रहा है एफ वन बड़ा था ए, तो क्या आएगा इसमें टी माइनस एफ टू इज इक्वल टू ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितना है एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए, ये करना है बच्चा। सुनो भाई मैंने जो पिछली बार गलती क्या होगी, देखो सुनो मैंने रिड्यूस्ड डायग्राम में एफबीडी बना दिया था, लेकिन बनाना किसमें था ओरिजिनल में, रिड्यूस्ड डायग्राम में एफबीडी नहीं बनाना, ओरिजिनल डायग्राम में एफबीडी बनाना है, लेकिन रिड्यूस से क्या निकालते हैं हम लोग, रिड्यूस से ए ऑफ सिस्टम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही है, मैंने पिछली बार थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मैंने रिड्यूस में एफबीडी लगा दिया था, मैं दोबारा कराता हूं, सुनो एक बार तुम सुन लो, सवाल ये था मेरे पास एक था एफ वन एक था एफ टू, ये था एफ वन ये था एफ टू, और इससे एक्स दूरी पे टेंशन निकालनी थी एक्स दूरी पे, तो मैंने पहले रिड्यूस किया इसको, रिड्यूस करने का मतलब क्या, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, ऐसे कि एक फोर्स लग रही है एफ वन माइनस एफ टू, इसका मास कितना है एम, तो मैंने ए निकाल लिया, ए किससे निकालते हैं रिड्यूस वाले से, ठीक है जी, ए तो क्या आएगा एफ वन माइनस एफ टू बाय एम, यहां तक करना है, फिर मैंने गलती क्या कर दी, मैंने इसी में एफबीडी बना दिया, इसमें एफबीडी बनाना, बनाना किसमें है इस वाले ओरिजिनल वाले में, अब मुझे पता लग गया कि ये वाला जो मास है ये चल रहा है किससे, ए से चल रहा है, और ये भी चल रहा है इससे ए से, तो मैं इसका एफबीडी बनाता हूं, इसका एफबीडी बनाया मैंने, तो इधर टी लगेगा अवे फ्रॉम बॉडी, एफ टू लगेगा किधर पीछे की तरफ लग रहा है, जा किधर रहा है ये आगे की तरफ, तो क्या आएगा टी माइनस एफ टू इज इक्वल टू जो भी इसका मास है, मास कितना आएगा इसका एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए, तो इससे टेंशन निकलेगी बच्चा। ठीक है जी, ए की वैल्यू कहां से आएगी, ये वाली, बात समझ में आई, रिड्यूस डायग्राम से क्या निकालना है एक्सेलरेशन, लेकिन एफबीडी जब बनाओगे आप बच्चा तो किसमें बनाओगे ओरिजिनल वाले में, बात समझ में आ गई, एफ वन माइनस टी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, एफ वन माइनस टी भी कर सकते हैं, गुनगुन शाबाश, गुनगुन कर सकते हैं एफ वन माइनस टी भी कर सकते हैं, लेकिन मास फिर उसका लेना पड़ेगा आगे वाले का। चलो गुड, आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चा, ठीक है जी, जितने हो गए ठीक है, बाकी कल करते हैं, ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, बाय बाय बच्चा। क्या साक्षी प्लीज, क्या बोल रहे हो आप,
नोट्स कब लोगे? सर आएंगे आपसे लेने के लिए, कलेक्ट करने आएंगे आपसे नोट्स। आज या कल में आ जाएंगे नोट्स कलेक्ट करने के लिए आपसे। तो काम रेडी रखना, अपना काम छोड़ना मत।